Dear friends, I am a man of education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The world requires the change. तो मोहम्मद साहब 13 वर्षों तक मौत के साए में जिए, बहुत तकलीफें झेली, सबको बहुत तकलीफें मिलती है। बाहुल्लाह 40 साल जेल में रहे, 40 ईयर्स डंजन में डाल दिए गए, जंजीर डाल दी गई गले में कई मन की, और राजा का जो नसीरुद्दीन शाह का जो गंदा पानी आता था घर का, टट्टियों पेशाब फिल्थ वहाँ पर रखा गया, जिसमें केवल झींगुर मच्छर और छिपकली और सांप यही सब होते थे, और बदबू होती थी बेतहाशा, जिसमें केवल ऐसे अपराधियों को रखा जाता था जिनको मारना होता था, वहीं जाके मर जाते थे। 3 months ही रिमेन देयर, वहां से भी जिंदा बच के आ गए। तो अवतारों को तो बहुत तकलीफ मिलती है, तो दे कम फॉर टू थिंग्स, टू गिव द मैसेज ऑफ गॉड, दे आर द मैसेंजर्स, एंड टू हैव अनटोल्ड अनइमेजिनेबल मिजरी दे फील, दे लिव विद अनइमेजिनेबल मिजरी, कल्पना भी नहीं कर सकते इतने दुख इनको मिलते हैं, ये दुख झेलने के लिए और दुख झेल करके परमात्मा का संदेश हमें देने के लिए संदेशवाहक है, ये आते हैं, संदेश देते हैं हमारी भलाई के लिए, और फिर ये चले जाते हैं संसार को छोड़कर। तो संदेश देते हैं और चले जाते हैं, संदेशा देने के लिए आए हैं। ये मैसेजेस प्यारे बच्चों, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें इनके बारे में, ये अनहरिंग है, कलेक्टेड विजडम है, और ये हमारे लिए बहुत बेसिक पर्पज सबका एक ही है। द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंग मेन। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग एंड कलेक्टेड विजडम दैट आर सेंट बाय वन गॉड एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैनकाइंड एंड टू क्योर द मेलेडीज ऑफ द एज। God reveals His words. God reveals His words progressively and cyclically over a time through a series of divine teachers, and the teachings are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. Dear children, it is very important you are in this class to understand these are important things. So therefore, you saw that all the religion prayer here. एक ही छत के नीचे हो अब सब धर्मों की प्रार्थना, परम पिता है एक सभी का, सब में हो ये भावना। Yesterday you saw all religion prayer because all the religions have come from one God. सब धर्म एक परमात्मा से आए हैं। मनुष्यों के अंदर अज्ञानता है, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस है, उसकी वजह से दूरियां हैं। जो डिस्टेंसेज दैट वी सी ऑल अराउंड आर बिकॉज ऑफ दी डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। वेर इज स्कूल, क्या है स्कूल? इज अ लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। स्कूल इज अ लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी। If his school is not the lighthouse of society, it will become the dark house of society. Therefore, his school must be restored to its traditional role as the lighthouse of society, and teachers must be restored to their traditional role as the transmitters of morality, builders of character, and custodians of the culture. So, dear children, and third thing is, ये जो रिवील्ड वर्क्स हैं ये
अनहरिंग है, कलेक्टेड विजडम है, हमारी भलाई के लिए दिव्य ज्ञान एक ही परमात्मा से आए हैं। तो जो दूरियां हैं समाज में दिखाई पड़ती हैं वो अज्ञानता के कारण है। हमें ज्ञान हो जाए तो हम समझेंगे एक ही परमात्मा है और उसी की संतान है, लहजा मिलजुल करेंगे। तो ये ज्ञान जरूरी है। दीज आर द थ्री क्लासरूम ऑफ अ चाइल्ड। क्लासरूम नंबर वन इज द होम। इन द होम द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। इस घर में मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर दे आर ऑल प्रेइंग टुगेदर। दिस होम हैज गीता कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहब। दिस होम इज ब्लेस्ड बाई वन गॉड एंड ऑल द मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड, ऑल द डिवाइन एजुकेटर्स और मैसेंजर्स ऑफ गॉड। So this kind of home is the need of the hour. So create a home of this kind where all the religions are respected, where all the teachings are learnt and understood. And this is a school. This is classroom number one is the home. This is classroom number two is the school or the university, the secondary source of empowerment. What is a school? A school is the lighthouse of society. A school or university is a lighthouse society to provide meaningful education, spiritual direction, guidance and leadership to students, their parents and the society in general. What is important is prayer bhi ho or padhai bhi ho. We need classes to study, but we also need prayer. Both are important. We need knowledge, we need wisdom, we need spiritual perception, we need eloquent speech. We need to learn universal values. God is one, religion is one, man is one. Global understanding. Yesterday saw a parliament. They were to make the children aware of the global understanding. Service to the world. We have to serve the world, whole world. One day I will unite the world. Ek din duniya ek karunga. Dharti swarg banaunga. Vishwa shanti ka sapna ek din sach karke dikhlaunga. One day I will unite the world and make it a nice place worth living. So that kind of vision, that is called global understanding, service to the world and excellence in all things. Now this is classroom number three, is the society, the third source of empowerment. All the holy books have come from one God. All the incarnations bring messages only from one and the same God. All people should pray together since there is only one God. Why these people do not pray together? We want to teach them. All these people have some different kind of, kisi ne dadi mooche, kisi ki topi, tope, safe, kapde, sab aise different pehante hain, jisse lage ki humko kitne different hain. How much we are different from each other? We have not to show the difference. We have to show we are all equal. We are all children of one God. We have to live in peace and harmony. We are all creations of one God. So this kind of society we need to change, and the children can change this society. And then law, order and justice are the urgent need of the today's society. Dear children, the basic principles of law, order and justice must be taught compulsorily from early childhood all over the world, and every child must be made law-abiding, orderly and just. Mahatma Gandhi said, if we are to teach the real peace in this world, if we are to carry on a real war against war, we shall begin with the children. Nelson Mandela says, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And Paulo Freire says, education changes the people and people change the world. Victor Hugo says, there is one thing stronger than all the army in the world, and that is an idea whose time has come. What is that idea whose time has come? This idea is the balanced education of all the three realities of life, that is material, human and divine, is the idea whose time has come. Dear children, here is a child. The child says, I am a material being. I am a human being. I am a divine being. Give me material education, the best of material education. Give me best of human education so that I can one day unite the world. Ek din duniya ek kar sakun main. Ek din duniya ek karunga. Dharti swarg banaunga with the help of balanced education of all my three realities of life.
इस बच्चे को क्या चाहिए, एजुकेशन, रिलीजन एंड लॉ ऑर्डर एंड जस्टिस, तीनों का ज्ञान जरूरी है. वी नीड ऑल थ्री काइंड्स ऑफ एजुकेशन. ए चाइल्ड इज अ होप, ए चाइल्ड और यूथ इज अ होप एंड द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर. इफ ए चाइल्ड, इफ वन चाइल्ड और यूथ इज मेड ए टोटल क्वालिटी पर्सन TQP, he can change the world and unite it. A child to become a total quality person, he and total quality manager, he needs these qualities. He needs material education, he needs human education, he needs divine education. If he learns all this, and he should be taught, God is one, religion is one, mankind is one, then the child can become good and smart. When you learn all three kinds of education, then you become knowledgeable. But knowledge alone is not sufficient. You also need wisdom. What is the wisdom of a man? Wisdom means proper use and application of knowledge wisely according to the exigency of situation is the wisdom of a man. Then you need a spiritual perception and eloquent speech. You need universal values, global understanding, service to the humanity, excellence in all things. You need to develop positive attitude, leadership skills, full commitment, total involvement. Whatever you do, you commit yourself fully or totally involved. For example, nowadays you are studying. You should totally involve in your studies. And then you should be agile and active. You should be far-sighted and visionary with goal-setting competencies. You should be humble and tolerant, self-disciplined, emotionally stable, noble and law-abiding, consultation, learn the art of consultation in place of discussion. Because consultation bestows with greater awareness and transmutes its conjectures into certitude. So in place of discussion, in discussion ego comes, arguments come, but ego also comes. So discussions, in place of discussion, learn to consult. And a strong willpower to do great things. Develop a strong willpower before God, make a commitment that I will do great things in as per teachings of God. A strong willpower. You should have logical temperament. You should be curious and imaginative. You should be truthful and honest. You know, if a child, this bulb is connected to power out, the light will come to the bulb. But if it is disconnected, there is no light in this. Likewise, if a child is connected to the kingdom of God, this is the kingdom of God, where from all the holy books have come, all the messages have come, only from one God. If the child is connected to the entire kingdom of God, he will become rational, he will become wise, he will become godly, he will become good, he will become total quality person, TQP, he will become total quality manager, like a divine angel. A good human being is a blessing for human society. But if this wire is broken, then what can happen? The child can become irrational, he can become unwise, he can become ungodly, he can become bad. He can become totally misguided person, TMP. He can become totally misguided manager, TMM. He can become like an animal, a bad human being. A bad human being is a curse for human society, totally unworthy and unacceptable to society. What is all this happening? It is all happening because our mindset has been polluted. We are Sikh, we are Hindus, we are Muslims, we are Shia, we are Sunni, we are Protestant, we are Catholics. We are Nirankari, we are Akali, we will kill each other. This kind of education to your children, mathematics or physics or chemistry is important. It is very important. But at the same time, this is also important to know that we are all human beings. We are children of one God. We have to live in peace and harmony. We have to unite. So that we have to also know. And then these are the teachings of God. Unity and love is the teaching of God. And against unity, anything is a satanic religion. That is shaitan ka dharma. So, hum insaan bane, shaitan na bane. Aur insaan ke maani ye hai, ka hum ekta aur prem se kaam kare.
इस दुनिया में अरबों की संख्या में लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, परंतु संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच, जिनकी बातें, जिनके कार्य और जिनका जीवन संपूर्ण विश्व की एकता और विश्व शांति जैसे व्यापक उद्देश्य हेतु बलिदान एवं समर्पण की महान गाथा है। सौभाग्य से विश्व में एक ऐसा बिरला और अनोखा व्यक्ति है जिसे लोग डॉक्टर जगदीश गांधी के नाम से जानते और पहचानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्ष 1959 से एक अनोखे मिशन के लिए दिन भर कार्य करने के अलावा सोते वक्त भी चिंतन करता रहता है और इस मिशन की सफलता के लिए सदैव समर्पित रहता है। जी हां, डॉक्टर जगदीश गांधी का एकमात्र मिशन है विश्व एकता के द्वारा विश्व में शांति स्थापित करना। इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जगदीश गांधी ने अति सीमित साधनों, शक्तिशाली दृष्टिकोण और अनेक आशाओं के साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की। उद्देश्य था कि एक दिन सभी विद्यार्थीगण सीएमएस के द्वार और प्रांगण से गुजरते हुए विश्व एकता और विश्व शांति के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर जगदीश गांधी एक सुप्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और विश्व के सबसे बड़े स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक हैं। सीएमएस यानी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सीएमएस का नाम दर्ज है। वर्तमान में तकरीबन 55,000 छात्र छात्राएं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के 18 कैंपस हैं जो कि लखनऊ शहर के विभिन्न भागों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को वर्ष 2002 में शिक्षा के द्वारा शांति का प्रचार और प्रसार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन से सम्मानित किया जा चुका है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इस प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार को प्राप्त करने वाला समूचे विश्व और भारत का प्रथम विद्यालय है। प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के गोमती नगर प्रथम कैंपस में विश्व एकता सत्संग का आयोजन किया जाता है। इस सत्संग में सभी वर्ग और समुदाय के लोग सपरिवार सादर आमंत्रित होते हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी पूर्व में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी अतीत में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सिकंदरा राव निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों से विजय प्राप्त कर उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहे हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी को तमाम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजकीय पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय में डॉक्टर जगदीश गांधी ने एक विश्व शांति कार्यकर्ता और विश्व शांति दूत के रूप में अनेक देशों और प्रदेशों की यात्रा की तथा उन सभी स्थानों पर अपने विचारों और संदेशों से लोगों को जागरूक किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया नगर की कुंजी, फिलीपींस के प्रतिष्ठित गुइसी शांति पुरस्कार, जर्मनी का प्रतिष्ठित न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड और यूएसए का चेंज मेकर्स इनोवेशन अवार्ड, ये कुछ ऐसे सम्मान हैं जो कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने डॉक्टर जगदीश गांधी के सफल मार्गदर्शन में प्राप्त किए हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी को वर्ष 2009 में रूस के बशकीर स्टेट पेडागॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा डॉक्टर गांधी को संसार के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों ने अनेक मानक उपाधियां प्रदान की हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी का मानना है कि मानवता के अस्तित्व के लिए एक विश्व न्यायपालिका का सृजन एक अंतिम और एकमात्र उपाय है और इसीलिए
विश्व के 2.5 अरब बच्चों तथा जन्म लेने वाली भावी पीढ़ियों के उज्जवल एवं सुरक्षित भविष्य के लिए उनके मार्गदर्शन में CMS के 55,000 विद्यार्थी विश्व एकता और विश्व शांति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा 18वां विश्व न्यायतंत्र शिखर समारोह तथा विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 8 से 14 नवंबर 2017 के दौरान कानपुर रोड शाखा के विश्व एकता सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर जगदीश गांधी के मार्गदर्शन में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा चलाए जा रहे विश्व एकता और विश्व शांति अभियान का मुख्य आकर्षण है वर्ष 2001 से निरंतर आयोजित एक अत्यंत सफल विश्व न्यायतंत्र शिखर समारोह तथा विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें अब तक दुनिया के 126 देशों के 1,000 से भी अधिक माननीय न्यायाधीश और राज्यों और गणराज्यों के माननीय प्रमुख भाग लेते आ रहे हैं। Would you like to see the brain collection? Welcome to Macfair International, the festival of mathematics, science and computer science organized by one of the largest City Montessori school campuses, the Mahanagar campus, where students team from best of schools of Nepal, Bangladesh, Sri Lanka and many national schools arrived at Lucknow. Teams settle down at the school's CISV and Kaizen guest houses and then proceeded to CMS World Unity Convention Center for the registration formalities. Science sets the standard for rationality in today's society. Along with it, if it is infused with the spirits of wonder and discovery, those then become the redeeming factors in science's social standing towards peaceful coexistence between humanity and nature. Those were the visuals from some of the first round of competitions like evaluation of projects on wildlife conservation, scientist character speak selection round, model United Nations prelims for seniors, science quiz preliminary round for seniors, math quiz preliminary round for seniors. Okay, so I'm talking about AI robots did not create unemployment. So robots are kind of technology that is made by the human. It is made by humans. It is created by the human skills. So, how can it even ever take over the job market? So,
As you said, it is a robot is something that made or powered by humans. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।